नमस्कार, स्वागत है आपका जिलीत ऑफिशियल में। जैसा कि दोस्तों आपको ये पता है, इन दिनों रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। जी हाँ, पूरी तरह का मतलब सिर्फ यात्री गाड़ियों को, मालगाड़ियाँ जैसे चल रही थी वैसे वो चल रही है, उससे तेज़ी से ही चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों जो COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस है, इसके फैलने के डर की वजह से गाड़ियों को यहाँ बंद किया गया था 14 अप्रैल तक। अब 14 अप्रैल के बाद, मैंने आपसे पहले कहा था कि 14 अप्रैल के बाद भी 15 अप्रैल से भी गाड़ियाँ चलने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है, नहीं चल सकती है। मैंने क्यों कहा था, मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इस पर, या मेरे तरफ और भी बहुत से लोगों ने कहा। तो इस पर सरकार की तरफ से एक अपडेट आया है। केंद्रीय सरकार के मुख्य सचिव राजीव गौबा जी ने ये कहा है कि 14 अप्रैल के बाद गाड़ियों को कैंसिल करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी खुलकर नहीं कहा कि 15 अप्रैल से गाड़ियाँ चलने वाली है। और यहाँ जो दोस्तों बुकिंग शुरू हो चुकी है, जी हाँ, काफ़ी तादाद में लोग काउंटर बंद है इसलिए ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको सफ़र करना बेहद ज़रूरी है तो करें, तो बुकिंग करें, आप कर सकते हो 15 अप्रैल से। लेकिन इस बात की गारंटी इस वक्त ना रेलवे ले रहा है, ना सरकार ले रही है, ना मैं ले रहा हूँ कि 15 अप्रैल से गाड़ियाँ जो है चलने लगेगी। सरकार ने ये कह दिया है कि कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ रेलगाड़ियों को बंद क्यों किया गया था। क्योंकि इस बीमारी को तेज़ी से फैलने से रोकने के लिए इसे बंद किया गया था। तब बंद किया गया था जब भारत में जो लोग हैं, मरीजों की संख्या जो है दिन में 10, 15, 20 दिख रहे थे, लेकिन आज ये 150 से 250 के बीच में दिख रहे हैं हर रोज़। तो ऐसे में क्या आपको लगता है गाड़ियाँ 15 अप्रैल से चलने लगेगी? आप समझदार हो, आप सोच सकते हो, चल सकती है सिर्फ तब अगर मरीज यहाँ कम होते हैं, ये केस जो है वो कम मिलने लगे तब। आप जरा खुद सोचो, गाड़ियों को फिर से अगर चला दिया जाता है तो आज जो 200 मिल रहे हैं कल को वो 2000 मिलने लगेंगे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, स्पेनिश फ्लू जब 1920 में आया था तो उस दौरान रेलवे की वजह से ही ये बीमारी भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल गया था। तकरीबन 2 करोड़ के करीब आसपास लोग यहाँ मरे थे। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि सरकार वापस से वही गलती जो है दोहराएगी यहाँ। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो ही ट्रेवल करें, वरना ना करें। गाड़ियाँ चलने के बाद भी कुछ दिनों तक जहाँ है वहीं रुके रहें, उसके बाद ही ट्रेवल करने की सोचें। देखिए, ज़रूरी तो हर किसी को है, लेकिन ज़रूरी जो है वो छोटा होता है और बड़ा भी होता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कर सकते हो, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके ज़रिए से ये बीमारी किसी और को ना लगे, खासतौर से आपके जो अपने हैं। क्योंकि आप जब वापस जाओगे तो अपने घर में जाओगे, तो यहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा है आपके घर वालों को इस बीमारी के लगने की। और हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 15 अप्रैल से गाड़ियों की बुकिंग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है, काफ़ी तेज़ी से लोग ऑनलाइन के जरिए से बुक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ काउंटर बंद है। ऑनलाइन से बुक करने के भी दो तरीके हैं, जैसे कि एजेंट और खुद से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद से करें। अगर आपको नहीं पता है तो इस चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनकी मदद लेकर आप टिकट बुक कर सकते हो और आईडी भी बना सकते हो। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो पहले उनसे ये क्लियर कर लें कि गाड़ी अगर नहीं चलती है, जिस डेट की आपकी गाड़ी है वो अगर नहीं चलती है, तो यहाँ मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे? क्योंकि रेलवे आपको पूरा पैसा वापस कर रही है, तो आप कितने पैसे मुझे वापस दोगे? क्या यहाँ भी कोई कैंसिलेशन चार्ज काटते हो? फिर फैसला लेने में आपको काफ़ी आसान होगा कि आपको खुद से करना है कि किसी एजेंट से करना है। आखिर में दोस्तों, 100 बात की एक बात, बेहद ज़रूरी होने पर ही 15 अप्रैल या उसके आसपास के तारीख की टिकट बुक करें। अगर गाड़ी कैंसिल होती है तो यहाँ आपको घबराना नहीं है, उस टिकट को कैंसिल नहीं करना है, खुद से ऑटोमेटिकली टिकट कैंसिल होगा, आपके अकाउंट में 7 से 10 दिनों के अंदर पैसे जो है वापस आ जाएंगे। हालांकि रेलवे के हिसाब से ये कम दिन है, लेकिन मैं यहाँ पे हालातों को देखते हुए बता रहा हूँ कि 5 से 10 दिन या 7 से 10 दिन आपको यहाँ लग सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।